वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, 9.3। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन आई वाज टेलिंग यू, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। उसके बाद हम वाटर को रिप्लेस करते हैं विद अनदर लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.63। देन यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड। सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। That means in this case we are to find the normal shift, and the formula for normal shift is x is equal to d 1 minus 1 over mu. See, I'm solving it here. X d kitni hai 12.5 and refractive index of that liquid is 1.63. By solving this you will get this normal shift or distance through which the microscope has to be moved up, because you know if any coin is kept at the bottom of a bucket containing water, it appears to be raised up. Okay, so distance at which the image appears to be formed, that is called apparent depth. And normal shift is the difference between real depth and apparent depth. It is the distance through which an object appears to be raised. So that's what they are asking, ki microscope ko kitna move karna padega hame apparent image dekhne ke liye. So that distance is in fact normal shift x. So bas aapne isko solve karna, right? Let's see question number 4, 9.4. आपको तीन डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट में एयर और ग्लास है, सेकंड में एयर एंड वाटर है, थर्ड में ग्लास एंड वाटर। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बाय यूजिंग फर्स्ट टू केसेस वी आर टू फाइंड दैट, अदरवाइज डायरेक्टली ऑल्सो यूजिंग कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट, बट इन दिस केस वी हैव टू मेक यूज ऑफ फर्स्ट टू केसेस फर्स्ट। So what we have to do, we will apply Snell's law in first and second case. Let me draw, then I'll stop share. So in the first case, it is glass and air. Glass, air. आप ध्यान से देखो, एंगल आपको आई दिया हुआ है 60 डिग्री और आर दिया हुआ है 35 डिग्री। सो राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एंगल पहले इसका आएगा साइन 60 ओवर साइन 35 डिग्री। सो यूजिंग फर्स्ट डायग्राम वी हैव अप्लाइड जस्ट स्नेल्स लॉ and we have written refractive index of glass with respect to air, otherwise we know its value already, 3/2, 1.5. second case mein air or water beam, and see what are the angles given, 47 degree and 60 degree. Now in this case, let's find refractive index of water with respect to air. So sine 60 over sine 47 degree. वही जैसे हम Snell's law apply करते हैं, जिसका हम refractive index लिख रहे हैं, उसके opposite हम दूसरे medium का angle लिखते हैं. Now in the third diagram, what is given? This is water and this is glass. Water and glass. And the angle is 45 degree. और दूसरा given नहीं है, दूसरा angle पूछा हुआ। This angle they are asking, ठीक है? So let us call this angle X. एक मिनट scroll करके पढ़ लें statement. Predict the angle of refraction in glass when angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface. Okay, this is the question. So have a look closely.
पहले में स्नेल्स लॉ लगाया, दूसरे में लगाया, अब थर्ड में वो वैल्यूज यूज करके हमें एक्स निकालना है, दैट अननोन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द थर्ड केस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, दैट विल बी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन 45 ओवर साइन एक्स, साइन 45 ओवर साइन एक्स। अभी हमने सिंपली स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है थर्ड केस में। नाउ वी विल यूज कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला, दैट दिस कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, साइन 45 वन बाय रूट टू ओवर साइन एक्स। अब ये रहा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, व्हाट विल यू गेट, साइन 60 ओवर साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 ओवर साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 साइन एक्स। साइन 60 कैंसल हो गया, इज दिस स्टेप क्लियर, साइन 60 डिग्री गेट्स कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद साइन 47 डिग्री ओवर साइन 35 डिग्री इज 1 बाय अंडर रूट 2 साइन एक्स। नाउ यू हैव टू सी द वैल्यू ऑफ साइन 47 डिग्री एंड साइन 35 डिग्री फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट द वैल्यू हियर, और उससे फिर एंगल देख के साइन एक्स आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। तो देखिए, तीन बार हमने स्नेल्स लॉ लगाया, कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला भी लगाया, ठीक है, उसको यूज करके वी विल अराइव हियर। देख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट? मानसी इज इट क्लियर? वरुण इज इट क्लियर? ओके, वरुण, वरुण क्लियर है? मयंक, मयंक इज इट क्लियर? A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeters. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Refractive index of water kitna diya hua hai? 1.33. Is that okay? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कल हमने व्यू फील्ड ऑफ अ फिश किया था ना, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। चलिए, कौन बताएगा मुझे वो फॉर्मूला? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच द फिश कैन लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड? द आउटसाइड वर्ल्ड विल बी अ सर्कल फॉर अ फिश, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल? हमने एरिया निकालना है, बाद में पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, बट पहले आर बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस मानसी, बताओ क्या फॉर्मूला है रेडियस ऑफ दैट सर्कल? एच बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। यस, वेरी गुड, एंड एच इज गिवन, डेप्थ इज गिवन 80 सेंटीमीटर, वील कन्वर्ट इट इनटू मीटर 0.8 सेंटीमीटर, एंड म्यू दिया हुआ है 1.33, एंड वील जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो इन दिस केस, टू नो दिस फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9.5, सो रेडियस इज h बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, h इज 0.8 एंड म्यू इज 1.33, ये आपका रेडियस आ जाएगा। Then area will be pi r square. So you will get area then. So this is how you can solve this. Is that okay? Koi doubt? And 1 mistake is the formula your question goes wrong. Clear?
The angle of minimum deviation is 40 degrees. What is the refractive index of the angle of the prism? The refractive angle of prism is 60 degrees. So, if you see, kya diya hua hai aapko angle of prism A. Refractive angle of the angle of prism A kya hua hai 60 degrees and delta angle of deviation kya hua hai 40 degrees. ठीक है? चलिए मुझे बताइए prism formula. What is prism formula Varun? Varun, what is prism formula? Varun, बताओगे? What is prism formula? Mayank, बताओ क्या क्या prism formula? Varun, Mayank. Yes, ma'am. Sine A plus delta M by 2 over sine A by 2. Sine A plus. Predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam. So in this question, there are two parts. Let's see. 9.6. Question number 9.6 we are doing. Okay. So mu is equal to sine A plus delta M by 2 over sine A by 2. अब आपका A तो दिया हुआ है 60 डिग्री sine 60 by 2. This is angle of prism 60 plus 40 by 2. तो ये कितना हो गया 60 प्लस 40 डिग्री 100 डिग्री बाय 250 डिग्री सो यू गेट साइन 50 डिग्री ओवर साइन 30 डिग्री साइन 30 इज 1 बाय 2 सो इट्स 2 साइन 50 डिग्री साइन 50 की वैल्यू टेबल से देखिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड यू नो द आंसर इज गोइंग टू बी 1.5 Because the prism is made up of glass and refractive index of glass is 1.5. So, ye toh gaya iska first part. Second part, and now they have shifted the prism from air into water. So, they are asking what is the new angle of minimum deviation. Ab yahan pe toh refractive index glass ka with respect to air tha, understood tha. अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया अब हमने प्रिज्म को एयर से उठा के वाटर में रख दिया है तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी सो ग्लास ओवर वाटर कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला पहले यूज करोगे ये होता है 1.5 वाटर का 1.3 तो ये आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब सेकंड केस में यूज करना है फॉर्मूला So now refractive index is different and so is your angle of deviation also. Angle of prism A तो वही रहेगा but delta M हमारा अब new हो गया वही new angle of minimum deviation they are asking कि what is new angle of minimum deviation. So we have to find delta M dash now. तो जब हमने नया refractive index लिखा तो new angle of minimum deviation भी लिख दिया यहाँ So that is 1.5 over 1.3 sine 60 over 2 is sine 30
साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करके आपने एंगल की वैल्यू निकालनी है। मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। सो यू हैव टू फाइंड डेल्टा एम डैश। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें पूछ लो अगर है तो। इज दैट ओके? फाइन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज 9.6। लेट्स सी 9.7। Double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is 20 centimeter? हमें radius of curvature निकालना है और double convex lens है, same radius of curvature है। यहीं से आपको idea हो जाता है, दो radii of curvature है R1 R2। That means which formula lens maker's formula is to be used? लेंस मेकर्स फॉर्मूला विल यूज। कौन बताएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला? वरुण, वरुण आप बताओ लेंस मेकर्स फॉर्मूला व्हाट इज दैट? वरुण टेल मी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अरे एक फॉर्मूला तो बताओ। सारे मानसी बताएगी। चलिए 1 ओवर f इज म्यू माइनस 1 इनटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ओके लेट्स राइट दैट। दिस इज 9.7। क्वेश्चन नंबर 9.7। Refractive index 1.55, radius of curvature same है। अगर एक plus r है तो दूसरा minus r होगा। अगर एक plus r है तो second one must be minus r, right? We are to find focal length। तो बिल्कुल यही lens maker's formula आपका directly use हो जाएगा। चलिए put in the values and find focal length। आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर माइनस आर क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक का राइट साइड पे है तो दूसरे का सरफेस लेफ्ट साइड पे है, एंड सिंस द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यूज आर सेम, तो एक को प्लस आर दूसरे को माइनस आर लिखेंगे। इज दैट ओके? जस्ट सॉल्व दिस। वन ओवर एफ इज 1.55 माइनस 1, 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर, 2 ओवर आर। It will become 2 upon R. हाँ, radius of curvature निकालना है, sorry. Focal length दी हुई है, focal length है 20 centimeter, मतलब 0.2. Focal length is 20 centimeter, means 0.2 meter. So from here you will find radius of curvature R. Very easy. If you know the formula, you can do the question. Let's see question. Have a look at this closely. Dekh lo ek bari, dhyan se. See the solution once. We have used lens maker's formula here. 1 over f is mu minus 1 into 1 over r1 minus 1 over r2. Going to share next. Okay, 9.8. A beam of light converges at a point P. ये board में आ चुका है ये question. It's very important. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge? If the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter, concave lens of focal length 16 centimeter. दो cases हैं. ठीक है, तो लेट अस डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी. पहले से एक बीम ऑफ लाइट है जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उससे उसके पाथ में एक लेंस रख देते हैं, कन्वेक्स लेंस ए पार्ट के अकॉर्डिंग. द सिचुएशन इज लाइक दिस, अ बीम कन्वर्जेस टू सर्टन पॉइंट पी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी. वहां पे एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं whose focal length is 20 centimeters. Focal length of convex lens is always positive. And it will further converge the rays of light and somewhere here image may be formed. That is it. So we have to find where is the image formed. Distance of image nikalna. And surprisingly, U is always on the left hand side. So we take U minus 12. But yahan pe U aapki jo object right side pe. तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यू आपका पॉजिटिव हो. सो यू विल नॉट टेक यू नेगेटिव हियर, यू विल बी पॉजिटिव. देन वी आपको निकालना है, यूज लेंस फॉर्मूला. आगे सारा सिंपल ही है, बट मेन थिंग इज यहाँ पे आपका यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है. सो वन ओवर वी इज वन ओवर एफ प्लस वन ओवर यू, वन ओवर 20 और प्लस वन ओवर 12. चलिए इसको सॉल्व करके v निकाल लो. दैट इज द डिस्टेंस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड. इन द सेकेंड पार्ट देयर इज अ कनकेव लेंस. सेकेंड पार्ट में कनकेव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर. तो b पार्ट में आप फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे, U अगेन पॉजिटिव, और फिर से आपने V निकालना है. तो 1/16 नेगेटिव है, U आपका पॉजिटिव, तो यहां से V निकालना. सो दीज आर बोथ द केसेस. अदरवाइज देखो क्वेश्चन में यू सिर्फ लेंस फॉर्मूला हो रहा है, बट आंसर गलत आ रहा है बच्चों का, क्योंकि U को हम नेगेटिव ले रहे हैं. बट यू हैव टू सी द सिचुएशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. U should be positive in this case, not negative. तो U यहाँ पे जब आपने positive लिया तो आपका answer भी change हो रहा है, ठीक है. तो accordingly you will get the answer. So have a look at the question carefully. कोई doubt है तो पूछ लो इसमें. Yes, you can ask if there is any doubt. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर. ठीक है, h1 दिया हुआ है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है. डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. यू नो कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. What happens if the object is moved further away from the lens? तो ये अब आपने सिंपल मैग्निफिकेशन निकालनी है, लेंस फॉर्मूला निकालना है, यूज करना है. जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे ना, फर्स्ट 2-3, ये कनकेव लेंस का सिंपल रेगुलर न्यूमेरिकल है. एंड सेम वे 9.10 जो है वो भी एक कन्वेक्स लेंस का सिंपल रेगुलर न्यूमेरिकल है, दैट यू यूज टू डू इन 10th स्टैंडर्ड. तो ये 9th और 10th क्वेश्चन आप खुद करोगे, राइट. 9th एंड 10th क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ. इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. तो सी स्टूडेंट्स, आर 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीट नाउ.